हेलो बच्चों, मैं अरविंद सिंह पूछो तो पर आपका वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग आज जो है 11th का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड होता है उसके बारे में तो डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद का जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है। तो हम लोग जो उसके बाद का चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसको शुरू करेंगे। ठीक है, आसान सा चैप्टर है, कोई जो है कहते हैं डिफिकल्ट चीज़ नहीं है इसमें, बहुत जो है इजी चैप्टर है ये। तो ध्यान से समझिएगा, जो कि आपका 11th का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ये चीजें आपको समझ में आएंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके चैनल पूछो तो पर। मैं अरविंद सिंह, ठीक है, आपका फिजिक्स का फैकल्टी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर बात की जाए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो दो पार्ट इसमें समझ में आ रहा है, यूनिट और इनका मेजरमेंट। देखो, तो फिजिक्स बेसिकली है क्या? फिजिक्स आपकी ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, हम जो भी फिजिक्स में से 9th 10th में आपने जो फिजिक्स पढ़ी है, फोर्स पढ़ा होगा, एक्सेलेरेशन पढ़ा होगा, वेलोसिटी पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, तो ये सब क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक, तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का तरीका, ठीक, ये अगर बहुत पहले की बात की जाए तो इन क्वांटिटीज को मेजर करने का तरीका अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग तरीके से बनाती थी। ठीक है, तो अब फिजिक्स को अपने को बहुत डिफिकल्ट बनाना है कि बहुत आसान बनाना है? ठीक है, तो हम चाहते हैं कि फिजिक्स बहुत आसान रहे, बहुत डिफिकल्ट ना रहे। ठीक, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि हम लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन है फिजिक्स रिलेटेड जिसको हम लोग बोलते हैं IUPAP। ठीक है, जैसे IUPAC पढ़ा था वैसे ही IUPAP करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। वहां सी होता था तो वहां पे क्या होता था? केमिस्ट्री होता था। ठीक है, तो ये फिजिक्स इवॉल्व कैसे होगी, क्या होगी, इसके ऊपर काम करती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि अगर कोई जो फिजिक्स बनी हुई है ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, ठीक, तो अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी सर्च हो जाए, कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बन जाए जिससे जिससे हम रिलेट करके बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में है सब डिराइव कर सकें। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं भाई। ठीक है, ढूंढते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके बेसिस पे बाकी दुनिया की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यूनिवर्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितना हम जानते हैं यूनिवर्स को, ठीक है, वो सारी हम जो है बना सकें। तो रिसर्च स्टार्ट की। ठीक, आज 2020 चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक अपने को वो सिंगल फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिली है। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा यार ठीक है, एक नहीं मिल रही है तो कम से कम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। ठीक, कि अगर कम से कम फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगी, ठीक है, अगर उनके बेसिस पे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर लें, बना लें। ठीक, तो उनका नंबर कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, तो उनका नंबर कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा चलो अच्छा वो फिजिकल क्वांटिटीज ढूंढो जितनी भी मिलती हैं, लेकिन उनका नंबर अपने को क्या रखना है, कम से कम रखना है। तो अगर कम से कम रखना है तो साइंटिस्ट लोगों ने सर्च शुरू की, अपनी सर्च शुरू की, और जो है कुछ दिनों के बाद फिर उनकी मीटिंग हुई। तो उन्होंने कहा चलो हम लोगों ने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बना ली हैं, ठीक, जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक, जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगी, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगी और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो है बनाई गई। ठीक, जैसे बनाई क्या गया, एक बनाया गया मास, एक बनाया गया लेंथ, एक बनाया गया टाइम। ठीक है, तो मास, लेंथ, टाइम, देखो मास, लेंथ और टाइम ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। ठीक, अब ऐसा थोड़ा ना बोलोगे तुम, जैसे तुमसे तुम्हारा कोई मास पूछेगा तो बोलोगे मेरा मास है 50 मीटर, या तुम्हारी हाइट पूछेगा तो कहोगे 50 kg। ठीक है, या टाइम पूछेगा तो आप कहोगे जो है कहते हैं कि 2:30 हो रहा है टाइम। ठीक है, तो ये सब आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसकी अपनी एक यूनिट है, इसको मेजर करने का तरीका अलग है। मास लेंथ के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसे ही कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई जैसे टेम्परेचर, ठीक है, तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये चार हो गई। फिर उसके बाद ऐसे ही एक क्वांटिटी बनाई गई करेंट। ठीक, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये सब आपस में क्या है, डिपेंड नहीं करती है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेवेंथ जो बनाया गया वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा ये जो इतनी क्वांटिटीज हैं इनसे अपना काम चल जाएगा, दुनिया की जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है क्या कहते हैं आपकी, इनसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा ये जो क्वांटिटीज हैं इनको हम नाम क्या देंगे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे पर यूजुअली डिपेंड नहीं करती हैं, या वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम यूजुअली एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गई आपकी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूजुअली, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं यूजुअली, यूजुअली नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ये हो गया अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें आपको दिमाग में क्या रखना है, मैंने एक वर्ड मेंशन किया हुआ है, क्या वर्ड मेंशन किया हुआ है, यूजुअली। तो यूजुअली का इसमें मतलब ये है कि ऐसा करते नहीं है, कंपल्शन नहीं कि नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ठीक है, कंपल्शन नहीं है। तो हमने और एक टर्म क्या यूज किया, फिजिकल क्वांटिटी दो बार यूज किया। तो फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बाई कोई किसी भी चीज को हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी कैसे मानेंगे इसके बारे में अगर बात की जाए, तो दो चीजें इसके बारे में होती हैं। फिजिक्स में हम किसी भी चीज को फिजिकल क्वांटिटी तब बोलते हैं वो जब वो मेजर की जा सके, एक तो वो उस चीज का सॉरी बच्चा लोग, ठीक है। तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, अगर वो मेजर की जा सकती है और सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जो हैं, ठीक है, उनको फॉलो करें तो हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को के रूप में, के फॉर्म में क्वालिफाई करने के लिए यही दो रिक्वायरमेंट है कि एक तो वो मेजर की जा सके, दूसरा वो जो फिजिक्स के सर्टेन सेट ऑफ लॉज होते हैं उनको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैं कहूं शाहरुख खान और करण जौहर, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा दोस्ती है, तो दोस्ती कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फिजिकल क्वांटिटी। भाई दोस्ती को मेजर करने का कोई डिवाइस थोड़े ना होता है, उसको कितना मेजर करोगे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे, जो मेजर की जा सके, जो मेजर की जा सके और सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब उसी फिजिकल क्वांटिटी में हमने एक कैटेगराइजेशन क्या किया, फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हमने कैसे डिफाइन किया, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, या जिनको यूजुअली हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यूजुअली वर्ड का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे रिसेंटली जेई और नीट दोनों में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमने ये फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना है, उन्होंने कहा फोर्स टाइम और इसको फोर्स वेलोसिटी और मोमेंटम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लो, तो मास उनके टर्म में बताओ, ठीक। तो हाइपोथेटिकली हम कर सकते हैं लेकिन अपना ये कन्वेंशन है, यूजुअली हम इनको जो कहते हैं कि बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और दीज फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ये यूजुअली करते हैं, कंपल्शन नहीं है, क्लियर है चीज। तो हमने ये बना ली और दुनिया की साइंटिस्ट लोगों ने कहा दुनिया की जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दुनिया की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबको हम इनसे डिराइव कर सकते हैं। तो जब ये IUPAP की बैठक जो है कहते हैं कि विसर्जित, सभा विसर्जित होने लगी, ठीक है, तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट ने अपना हाथ खड़ा किया, कहा यार मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज और हैं, मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज और हैं जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो पूरा ड्राफ्ट वगैरह बन चुका था, ठीक, सारी चीजें हो चुकी थी, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के कैटेगराइजेशन में आ गई थी। तो उन्होंने कहा अच्छा, दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने कहा बताओ,
तो उन्होंने कहा दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी है तुम्हारी, एक है एंगल, इसी को प्लेन एंगल भी बोलते हैं, ठीक, और एक है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। एंगल थीटा, इसको जो है मेजर करने का तरीका अलग होता है, और सॉलिड एंगल क्या होता है ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्लेन एंगल के बारे में अगर मैं बताऊं तो दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनके बीच का जो एंगल है इसे हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल क्या होता है कि जैसे आइसक्रीम खाते हो ना, तो आइसक्रीम का जो कोन होता है, कोन का जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको एक सर्किल लो और सर्किल के सारे पॉइंट्स को जो है उससे ज्वाइन कर दो, तो वो जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। चलो इसके बारे में लोग बात करेंगे, ठीक। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा भाई ये सारी चीजें, तो ये ड्राफ्ट पूरा बन गया है, तो ड्राफ्ट अगर बन गया है तो इनके अलावा लेकिन ये दो क्वांटिटीज और हैं जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है जिनको, तो उन्होंने कहा ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। मैं चलो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, तो अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, ये सात क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये दो क्या है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। साइंटिस्ट लोगों ने कहा दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है सब इससे मिलकर बनी हुई है, ठीक है, क्लियर ये चीज। तो यहां तक बात हो गई फिजिक्स की, जो है हम जो बात कर रहे थे कि हमें इजी बनाना है, तो उनका यही सात सात और दो नौ फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 to 9, जिनके टर्म में हम बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां के बाद बात हो गई, अब हमने कहा इनको मेजर करना जरूरी है, तो हुआ क्या कि अलग अलग कंट्रीज ने इनको मेजर करने का अलग अलग तरीका बना लिया, अलग अलग कंट्रीज ने इनको मेजर करने का अलग अलग तरीका बना लिया, ठीक है। तो बहुत पुराने जमाने की बात है, तो उस टाइम पे फ्रेंच लोग और जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग जो कहते हैं बहुत ज्यादा जो है एडवांस हुआ करते थे। तो ब्रिटिश लोगों ने एक सिस्टम बनाया, ब्रिटिश सिस्टम बनाया गया, ब्रिटिश सिस्टम लोगों ने सिस्टम बनाया जो जो था आपका FPS, ये क्या था फुट, ये लेंथ को मेजर करने का तरीका था, ये पाउंड। ब्रिटेन के लोग ब्रेड बहुत खाते थे, ब्रेड बहुत खाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ब्रेड का जो मेजरमेंट था, एक ब्रेड का जो वेट था वो पाउंड के बराबर दे दिया, ठीक है। और ये था सेकेंड्स, ये टाइम का मेजरमेंट था, ठीक है। तो उसी टाइम पे जो ये कहते हैं कि फ्रेंच लोगों ने कहा हम लोग कैसे पीछे रह सकते हैं, तो हम लोग कैसे पीछे रह सकते हैं, तो एक सिस्टम फ्रेंच लोगों ने बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया CGS। CGS ये सब 90 थे, तो लोगों ने पढ़ा, ये सेंटीमीटर होता था, ये ग्राम होता था, इसमें हम मास को मेजर करते थे, और ये सेकेंड्स होता था, ठीक है। ऐसे ही जो है ये यूनिट्स बहुत छोटी थी, तो फ्रेंच लोगों ने उसी को कन्वर्ट करके एक सिस्टम बनाया MKS, ये क्या होता था आपका मीटर, ये किलोग्राम, ठीक है, और ये क्या होता है सेकेंड्स, ठीक है, ये जो है यूनिट्स बन गई। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग जगह कहते हैं कि इनका तरीका बनाया जो है मेजर करने का। जैसे अगर हम लोग सोने को मेजर करें, तो सोने को हम लोग मेजर करते हैं तोले में, 10 तोले की चेन है, ठीक है, और जो है ग्राम में भी, कुछ लोग रत्ती में भी मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर प्लॉट लेने जाओ कहीं, तो अलग अलग जगह का मेजरमेंट अलग होता है, जैसे कई लोग प्लॉट अगर एकड़ में बात करते हैं, कहीं बिस्से में होता है, कहीं स्क्वायर फीट में होता है, ठीक है, ठीक। तो ये सब का मेजरमेंट क्या होता है, अलग 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 होता है। तो सबने अपना अपना मेजरमेंट का तरीका बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सबने बना लिया। समस्या कब शुरू हुई, जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो मान लो मैं यहां इंडिया में रहता हूं, ठीक है, इंडिया में रहता हूं, और मैं जब कार में पेट्रोल डालने जाता हूं, तो यहां पे मैं कहता हूं 10 लीटर डाल दे भाई, 5 लीटर डाल दे भाई, टंकी फुल कर दे, ठीक। मैं यहां से मान लो गया कि जो है किसी और कंट्री में, जहां मेजरमेंट जैसे गल्फ कंट्रीज में चला गया, तो गल्फ कंट्रीज में जो मेजरमेंट का तरीका होता है वो क्या होता है, बैरल में मेजर करते हैं वो। तो अगर वो बैरल में मेजर करते हैं, मैंने कहा भाई जो है गाड़ी खड़ी की, मैंने कहा 10 लीटर डाल दो। अब वो बहुत जो पेट्रोल पंप पे लोग होते हैं बहुत पढ़े लिखे तो होते नहीं, जो नॉर्मल यूसेज का जो है यूनिट यूज किया जाएगा उसी में वो बात करेंगे, उनका यहाँ तो तुम लीटर कह रहे हो, लीटर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो बैरल में बात होती है। तो मुझे बैरल नहीं पता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे बैरल नहीं पता था, उसको जो है कहते हैं लीटर नहीं पता था, प्रॉब्लम कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। या हम जो है सोना तोले मेजर करते हैं, बाहर मैं गया, मैंने कहा आज मेरे को जो है 5 तोला सोना दे दो, ठीक है, तोला क्या होता है भाई, तोला क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जब जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, एक कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है स्टार्ट, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट हुआ, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, ठीक है, क्योंकि है तो सब फिजिकल क्वांटिटीज ही ना, ठीक। तो
फिर से अपना ये जो कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन था यूपीएपी वाला, इन्होंने कहा यार ये तो समस्या का विषय है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुमको जो मेजरमेंट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी कंट्री में जो मेजरमेंट करना है करो, जो भी तरीका आपको अपनाना है, जो भी यूनिट सिस्टम आपको बनाना है वो बना लो, ठीक है। लेकिन हम एक यूनिट सिस्टम बना रहे हैं, हम एक यूनिट सिस्टम बना रहे हैं जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए, हर कंट्री के लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, बेसिकली ये फ्रेंच होता है सिस्टम टू इंटरनेशनल्स, ठीक है, फ्रेंच वर्ड में जो है बनाया गया। तो एसआई सिस्टम में हम जो भी 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी सबकी यूनिट्स लिख लेते हैं, सबकी यूनिट्स लिख लेते हैं। जैसे मास था तो मास को हम मेजर किस में करेंगे, केजी में। लेंथ था तो लेंथ को हम मेजर किस में करेंगे, मीटर में, ठीक है। और टाइम था तो टाइम को हम मेजर किस में करेंगे, सेकेंड्स में, ठीक है। इसके बाद आपका टेम्परेचर था, ठीक है, तो टेम्परेचर को हम मेजर किस में करेंगे, केल्विन में, ठीक है। ऐसे ही करंट था तो करंट को हम मेजर किस में करेंगे, करंट के मेजरमेंट का तरीका हो गया एम्पियर। ये सब एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे जो रखा गया है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या आया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग जो है कैंडेला में मेजर करेंगे, सीडी। स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मेजर करने का तरीका क्या बनाया गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमने मेजर किया मोल में, ठीक है, ये मेजरमेंट का तरीका बनाया गया। और बाकी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, एक क्या था, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल की अगर बात की जाए तो प्लेन एंगल को इन्होंने कहा रेडियन में मेजर करेंगे, और सॉलिड एंगल को जो मेजर करने का तरीका था इसको इन्होंने कहा हम स्टीरेडियन, एसटी रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है एसआई सिस्टम ने एक स्टैंडर्ड जो है नोटेशन बना दिया, स्टैंडर्ड जो है क्या कहते हैं कन्वेंशन बना दिया कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम, आपको पता होना चाहिए, आप अपनी कंट्री में जो यूज करते हो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही कंट्री में भी डिफर करता है, जैसे हमारे क्या बीघे में, हम अपने जो मिर्जापुर का मैं रहने वाला हूँ, मिर्जापुर वेब सीरीज वाला ही मिर्जापुर, ठीक है, तो मिर्जापुर का मैं रहने वाला हूँ, तो वहां पे जो जमीन की बात की जाए तो बीघे या बिस्से में मेजर की जाती है, ठीक है। दूसरी जगह जाओ उसी बिस्से का जो कहते हैं कि मेजरमेंट अलग होता है, जैसे कहीं होता है एक बीघे में 20 बिस्सा होता है, कहीं जो है कच्चा पक्का बीघा उसको बोलते हैं, ठीक है, तो कहीं एक बीघे में जो कहते हैं 10-12-13 बिस्सा होता है, ठीक है। तो हर जगह का एक कंट्री में ही अलग अलग जगह कहते हैं कि मेजरमेंट का हिसाब किताब होता है, लेकिन पता ये सबको होना चाहिए ताकि इंटरनेशनल अगर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो यही चीज आपको यूज करनी है, ठीक है बच्चा लोग। तो ये बात हुई, मेजरमेंट भी हमने करना सीख लिया, ठीक, तो मेजरमेंट भी हमने करना सीख लिया। तो अब मेजरमेंट करना सीख लिया, लेकिन इतने से ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी आईयूपीएपी, इसका मन नहीं भरा, इसका मन नहीं भरा, तो इन्होंने कहा हम एक और सिस्टम बनाएंगे, तो बनाओ भैया, ठीक है। तो इन्होंने कहा हम एक और सिस्टम बनाएंगे, तो क्या सिस्टम बनाओगे भाई, तो उन्होंने कहा चलो एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी तो हमने डिफाइन कर ली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी थी सप्लीमेंट्री, ठीक, वो इसलिए आई क्योंकि वो उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका था। तो उन्होंने कहा एक और तरह की फिजिकल क्वांटिटीज बनाई हमने, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ये इन्होंने बनाना शुरू किया। तो ये इन्होंने बनाना शुरू किया, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो 7 और 2 9 वो तो फिजिकल क्वांटिटीज बन गई तुम्हारी, ठीक है, वो क्या बन गई, फिजिकल क्वांटिटीज बन गई, फंडामेंटल है। अब दुनिया में इसके अलावा जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है सब क्या डिराइव्ड है, ठीक, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, अपार्ट फ्रॉम दो 7+2 9 फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी भी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऑल आर डिराइव्ड, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, तो नाम ही समझ में आ रहा है, ठीक। तो उन्होंने कहा इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी अपने को चेक करनी है, इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंसी है वो चेक करनी है। तो उन्होंने कहा एक टर्म हम लोग बनाएंगे, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन। पहले मैं डिपेंडेंसी वाला टर्म आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो कि दो बंदे हैं, एक है ए, ठीक है, और एक है बी।
ए को जाना है यहां से पी से मान लो क्यू पर, ये डिस्टेंस है मान लो 10 किलोमीटर, और बी को भी जाना है मान लो यहां से पी से जाना है आर पे, और पी से आर की जो डिस्टेंस है मान लो है 20 किलोमीटर। मैंने कहा दोनों को आधे घंटे का टाइम चाहिए है, दोनों को आधे घंटे वहां पहुंचना है। तो दोनों को अगर आधे घंटे वहां पहुंचना है तो टाइम मैंने फिक्स कर दिया। अब किसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला तो सब लोग जानते ही हो ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम मैंने फिक्स कर दिया आधा घंटा। अब डिस्टेंस बी को जो है ज्यादा ट्रेवल करनी है तो मतलब इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब डिस्टेंस एक तरह की लेंथ ही तो होती है, ठीक है। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर 1। मतलब जितना अगर टाइम को फिक्स किया तो लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ा होगे स्पीड उतनी ज्यादा आपको रखनी पड़ेगी। तो ये अपने को डिपेंडेंसी समझ में आई स्पीड की लेंथ के साथ, और वो भी लेंथ की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। तो लेंथ की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो ऐसा ही कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हम एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला हर फिजिकल क्वांटिटी का आपको यह बताएगा कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके ऊपर एग्जैक्ट डिपेंडेंस क्या है। एग्जैक्ट डिपेंडेंस का मतलब कि लेंथ की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, कि लेंथ की स्क्वायर रूट के, कि लेंथ की पावर 1/3 के, ये डिपेंडेंसी का हिसाब किताब बनाएंगे। तो एक नई चीज इन्होंने बनाई, क्या बनाई, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस पूरे चैप्टर का बेस यही है, आपको हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। याद तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, याद नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे आगे आगे चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वहां पे हम निकालना सीख लेंगे, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालना है तो सबसे पहले तो आपका उसका बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के साथ जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला और उसमें डायमेंशन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला से सबसे सिंपल, हम लोग अगर हम एक एरिया निकाल रहे हैं किसी भी चीज का, एरिया मान लो रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं या स्क्वायर का निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एल भी एक तरह का लेंथ है, बी भी एक तरह की लेंथ ही तो है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा, ये जो लेंथ वाला टर्म है इसको एल लिख दो और इसको भी क्या लिख दो, एल लिख दो, ठीक। तो ये बन क्या गया, एल की पावर 2। क्या बन गया, एल की पावर 2। अब एम है नहीं तो एम की पावर 0 और टी की पावर 0, और इसको एक डिब्बे में बंद कर दो। ये सब फर्जी की पंचायत है, जैसे कि कहते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ते हो कि कॉमा लगा दो, कॉमा लगाने के बाद डैश लगा दो, पहले ये आना चाहिए बाद में वो आना चाहिए, लॉजिकल चीजें नहीं है सब, ठीक। बस आपको जो है, लेकिन हाँ आपके स्कूल्स वगैरह में अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे एरिया का हमने डायमेंशन निकाला, तो एरिया का या जिस भी चीज का, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तक आपको तोड़ के लेके जाना है। फिर जहां m आएगा, मास आएगा, उसकी जगह पे m रख देना है, जहां लेंथ आएगा उसकी जगह पे l रख देना है, जहां टाइम आएगा वहां t रख देना है। अभी हम 11th की बात कर रहे हैं तो 11th के लिए हम इनिशियली यही फिजिकल क्वांटिटीज MLT वाले ही पढ़ेंगे, होते तो बहुत ढेर सारे हैं, NCERT में देखोगे तो आपको 70-80 जो है दे रखे होंगे, लेकिन सब आपके लिए याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे आगे वैसे वैसे आपको चीजें कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर पता है तो आप कैलकुलेट कर लोगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डोंट डू रट्टाफिकेशन, ठीक। फिजिक्स में अगर रटने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी, रटो रटो, लेकिन पहले समझो, ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो तब रटो तो अच्छी चीज है। अगर सिर्फ रट्टाफिकेशन करोगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है बच्चा लोग। तो ये मैंने एरिया का निकाल दिया। मान लो ऐसे ही मैं कहूं वॉल्यूम का निकालना है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो वॉल्यूम का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो एल इंटू बी इंटू एच, ये भी लेंथ, ये भी एक तरह की लेंथ और ये भी एक तरह की लेंथ, तो ये क्या हो गया आपका एम जीरो एल थ्री और टी जीरो एम, जो जो नहीं रहेगा उसकी जगह पे हम जो है जीरो रख देंगे, पावर 0। तो ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। अब बात करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन अगर पूछा जाएगा, हमेशा याद रखो इसको एक बड़े डिब्बे में बंद रखना है,
जो पावर्स हैं वो लिखो, ठीक है, और उसको बड़े डिब्बे में बंद रखना है। अब इसके बाद से मैं जो ये कहते हैं ये जीरो वाले टर्म नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको स्कूल में लिखना जरूरी है अगर डायमेंशन पूछा जाएगा तो। स्कूल में लिखना जरूरी है, क्योंकि स्कूल में अगर नहीं लिखोगे तो फिर जो है फंस जाओगे, नंबर जो है क्या कहते हैं पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एम जीरो, एल थ्री और डी जीरो, ये हमने निकाल लिया किसका, वॉल्यूम का। ऐसे ही धीरे धीरे निकालते हैं, ठीक, और एक दो फिजिकल क्वांटिटीज के, फिर जो है डायमेंशन के बारे में बताता हूं। मान लो स्पीड आपसे पूछा गया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी तो एक तरह की लेंथ है अपॉन टाइम, ठीक है। अब पावर्स के टर्म में लिखना है, तो m तो था नहीं, तो m हो गया जीरो, l की पावर है वन, और t ये ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो गई, माइनस वन। ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का भी यही होगा, यही वेलोसिटी का भी होगा, ठीक है, यही कहो तो एवरेज स्पीड का भी यही होगा, और यही एवरेज वेलोसिटी का भी होगा। हर तरह की जो है वेलोसिटी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, सबका क्या होगा, सेम होगा। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आया, m0 l1 t माइनस वन, ठीक है, क्लियर ये चीज। अब डायमेंशन की हम बात कर रहे थे कि डायमेंशन हम किसको बोलते हैं, डायमेंशन हम बोलते हैं जो मास, लेंथ और टाइम की पावर्स हैं। जैसे अगर बोला जाए कि एरिया में लेंथ का डायमेंशन बताओ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या है, टू। मास का डायमेंशन बताओ, तो मास की पावर कितनी है, जीरो, तो मास का डायमेंशन क्या हो गया, जीरो। टाइम का डायमेंशन बताओ, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो गया, जीरो। मतलब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन वर्ड आया कहां से, जैसे अगर हम स्पेस में डायमेंशन की, एक प्लेन में डायमेंशन की बात करें तो दो तरह हो सकते हैं, एक्स और वाई। स्पेस में बात करें एक 3D जो है ऑब्जेक्ट के, तो तीन तरह की डायमेंशन होती है, एक्स वाई जेड। तो ऐसे ही फिजिक्स में ये डायमेंशन को रिप्लेस किससे किया गया, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही क्या है, डायमेंशन है, और उन्हीं के टर्म में हम दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे अगर एक इस बोर्ड के प्लेन में मेरे को जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं एक्स और वाई के टर्म में लिखूंगा ना, उसी तरीके से हम फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे वो किसके टर्म में लिखेंगे, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यही, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि उसमें वही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। और डायमेंशन की पावर क्या है, ठीक है, डायमेंशन क्या है आपका, अगर जो है मास की बात की जाए तो जो पावर्स है वो क्या है, डायमेंशन है। डायमेंशन अगर पूछा जाएगा तो डायमेंशनल फॉर्मूले में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, डायमेंशन होती है, ठीक है। तो चलो मैं और कुछ डायमेंशंस आपको निकालता हूं, क्योंकि डायमेंशन ही जो है आपका पूरा खेल है। बेसिकली जो आपने फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं उन्हीं के डायमेंशन की हम बात करेंगे। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप चाहो तो जो इसके पहले वाला जो स्लाइड था उसको पॉज करके जो है पूरा नोट कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग जो है क्या कहते हैं इस लेक्चर के नीचे जो है आपको क्या कहते हैं, जब ऐप आप डाउनलोड करोगे तो इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, और एक एक्सरसाइज भी मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे इन कंसेप्ट से रिलेटेड, वो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग डायमेंशन कुछ और की बात करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन के डायमेंशन की बात की जाए, तो एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी के ही तो बराबर होगा भाई, एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसी से चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, तो फोर्स थोड़ा ना बन जाएगा, ठीक है। एक गधे और एक गधे को जोड़ोगे तो हाथी थोड़ा ना बन जाएगा, ठीक, तो गधे और गधे को जोड़ो गधा ही आएगा। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की अगर बात की जाए, तो डेल्टा वी का भी हमने डायमेंशन निकाला था, या नहीं पता है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे टाइम और है, तो ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो डिस्प्ले, आप देखो अब यहां पे रुक जाना है, आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर निकालना है तो क्या करना है, उसको बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वहां तक ब्रेक करना है। तो अब डिस्प्लेसमेंट तो एक तरह की लेंथ होगी ना, इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ क्या हो गई आपकी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो हमने इसको लिख दिया एल, और टाइम को भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो एल टी, एल बाई टी स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओगे तो अगर लिखोगे तो एम जीरो एल टी माइनस टू, ये क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन में अगर पूछा जाए कि मास का डायमेंशन क्या होगा, तो मास का डायमेंशन क्या होगा, जीरो, लेंथ का डायमेंशन वन, और टाइम का डायमेंशन माइनस टू,
ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, मान लो जैसे फोर्स जो तुमने 9-10 में पढ़ा है ना, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की मैं बात करने वाला हूं, और कुछ नहीं अभी। ठीक, बहुत भयानक भयानक क्वांटिटीज अगर हम लोग ले लेंगे तो पता लगा उसके बारे में कुछ पता ही नहीं तुम्हें। तो फोर्स का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब देखो एक्सेलरेशन तो मैंने निकाल लिया ना यार, इसी एक्सेलरेशन को मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक, ये क्या था, mLt-2 आ गया, ये क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन हो गया। ठीक है, मान लो दूसरा नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात की, जैसे मोमेंटम करके एक क्वांटिटी पड़ी थी, तो मोमेंटम मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, अभी हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता था, वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक तरह की लेंथ थी, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा mLt-1। डब्बे में बंद करना जरूरी है, ठीक, जेई और नीट के हिसाब से तो ये जो कहते हैं बात नहीं, क्योंकि उसमें तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो जो ऑप्शन दे रखे होंगे आप समझ लोगे, लेकिन स्कूल के हिसाब से डिब्बे में बंद करना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। ऐसे ही मान लो वर्क की बात की जाए, तो वर्क क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, तो फोर्स तो अभी हमने निकाला ना, फोर्स का देखो ये डायमेंशन निकाला हमने, तो अब मैं ये डायमेंशन यूज कर ले रहा हूं। ठीक है, आप भी धीरे धीरे कैलकुलेट करोगे, ठीक, तो आप जो है कैलकुलेट कर लोगे, जैसे एनसीईआरटी के शुरू के 25-30 जो है प्रैक्टिस करो खुद से डायमेंशन निकालने, ठीक, और उनको रिकॉल मतलब फॉर्मूला याद रखो, और उनको कैसे कैलकुलेट करना है ये दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो आप सारी चीजें नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mLt-2 था, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, तो क्या हो गया mL2t-2। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्क का डायमेंशन हो गया। अच्छा, एक और डायमेंशन निकालते हैं, जैसे तुम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, हाफ एमवी स्क्वेयर। तो हाफ एमवी स्क्वेयर में इस हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता है, नंबर्स का डायमेंशन होता है, कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशन हो सकता है कभी कभी, लेकिन इन केसेस में जो है यहां इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो m का डायमेंशन m हो गया, हमने अभी वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला, देखो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या थी, Lt-1, तो ये क्या हो जाएगा, Lt-1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, mL2t-2। ये समझ पा रहे हो ना, ये पावर्स, यहां पावर क्या है, 1। तो ऐसे अगर कोई टर्म रहता है तो ये कहते हैं, जैसे अगर लिखा है x² पावर 3, तो इसको क्या लिख देते थे, x की पावर 6 लिख देते थे ना। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने जो है यहां L की पावर 2 लिख दिया और T की पावर -2 रख दिया, तो इसका डायमेंशन आया mL2t-2। यही वर्क का डायमेंशन था, यही वर्क का डायमेंशन था, याद आया। ठीक, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका डायमेंशन सेम होता है, जैसे शायद तुम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा हो, टॉर्क। टॉर्क क्या होता था, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब होता क्या है, आर परपेंडिकुलर ये याद आ रहा हो आपको, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उससे जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो ये हम लोग रोटेशन में जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, तो फोर्स का देखो भी हमने निकाला यहां पे mLt-2, तो mLt-2 इंटू एल, आर परपेंडिकुलर मतलब लेंथ, लेंथ का क्या होगा एल, तो अब देखो यहां एल की पावर है 1, यहां एल की पावर है 1, तो ये क्या हो गया mL2t-2। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो देखो टॉर्क का भी डायमेंशन सेम आया। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द जो है 3-4 फिजिकल क्वांटिटीज दे दी गई और आपसे कहा गया कि किन किन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है, किन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो ये मैंने जो है कुछ जो आपने पहले पढ़े हुए थे उससे रिलेटेड जो है, ऐसे मान लो एक पोटेंशियल एनर्जी का निकाल लो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है, MGH पढ़ा है, उसी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे ये एग्जैक्टली सही तो होता नहीं है। ठीक है, तो MGH में मास क्या हो गया, मास हो गया मैं मास, जी क्या होता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ही तो हुआ, तो देखो एक्सेलरेशन का हमने निकाला था Lt-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही हुआ।
किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एम एम हो गया, ये हो गया एल टी माइनस टू इंटू ये एल हो गया, तो ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें ऐसी समझ में आ रही जिनका फॉर्मूला सेम हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें यहां पे ये चीजें तो मिली गई कि वर्क, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलो तो कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है 9th-10th में एक टर्म पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती थी, रिलेटिव डेंसिटी आर डी। तो रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी होती थी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 degrees Celsius। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती थी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। याद हो जाएगा, परेशान नहीं हूं, फॉर्मूले धीरे धीरे याद होते जाएंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 degrees Celsius। ये 4 degrees Celsius का भी पंगा होता है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है, कुछ नहीं पता। तो यार डेंसिटी का अगर मैं डायमेंशन और डेंसिटी का निकाल लेते हैं, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता था, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास तो हो गया m, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया l3, तो ये हो जाएगा m l माइनस 3। टी नहीं है, टी जीरो लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हो गया डेंसिटी का। तो ध्यान से देखो भाई, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की हो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो ऐसे निकालोगे ना, केजी पर मीटर क्यूब यूनिट हुआ करती थी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो मतलब रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशन नहीं होगा भाई, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला चलो मैं लिख देता हूं, एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा, एम की पावर 0 और एल की पावर 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं, टी की पावर 0 लिखना चाहो तो वो भी लिख दो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हुई आपकी, रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, रितम वर्मा, हेलो बेटा, हाउ आर यू, ठीक है, रिप्लाई के लिए बोला जा रहा है। साकिब, ठीक है, साकिब भी जय कहते हैं, हेलो बेटा, ठीक, नेहा, ठीक, हेलो बेटा, रितम बेटा रिप्लाई कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक, चलो तो आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। तो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर हमने देखा रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, ठीक है, तो डायमेंशन लेस होती हैं। तो जैसे और कुछ क्वांटिटीज की बात करते हैं, बचपन में एक चीज पढ़ी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट पढ़ा ना तुम लोगों ने, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपका क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम का होता था ये, जैसे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तब की बात की जा रही, सॉरी, इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर जिसको सी बोलते थे, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे पानी का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन पानी, ठीक है। जैसे मान लो पेट्रोल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या निकालोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन पेट्रोल, ठीक। दूध का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कैसे निकालोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मिल्क, ठीक है, क्लियर है चीज। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये देखो स्पीड ये भी है, स्पीड ये भी है, तो स्पीड का तो भी हमने डायमेंशन निकाला था, मैं लिख दे रहा हूं LT माइनस 1 और ये भी क्या है LT माइनस 1, तो ये हो जाएगा m 0 l 0 और t 0। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया।
ठीक है, क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, क्लियर है चीज। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो डायमेंशन लेस होती है, जिसमें से दो हमने अभी पढ़ ली, रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो मैं लिस्ट कर देता हूं, ठीक है, लिस्ट ऑफ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात की जाए तो लिस्ट ऑफ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तीसरे की अगर बात की जाए तो रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरे की बात करते हैं, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको हम टी रेशियो से डिनोट कर रहे हैं, टी रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जहां तक बात की जाए तो सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो बचपन में, अभी तो पढ़ा तुम लोगों ने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला क्या होता था, ये मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल थीटा है, तो यहीं पे मैं आपको ये चीजें बता भी देता हूं। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग बात करें, ये एंगल थीटा लिया तो बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ए बी क्या हो गया, बेस हो गया, और ए सी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। तो हेलो जगह कहते हैं कि ए सी और ए बी ये वैल्यूज हो गई, तो इसमें साइन थीटा अगर निकालो जैसे, तो साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, सी बी अपॉन हाइपो क्या हो गया, ए सी। तो भाई ये साइड्स की लेंथ ही तो हम लिख रहे हैं ना, तो बेसिकली ये क्या हुआ, लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये क्या हो गया, एल जीरो। तो साइन थीटा का कोई डायमेंशन थोड़े ना होगा। ऐसे ही जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े थे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, सब तो डायमेंशनलेस थे ना, तो क्योंकि सब एक साइड अपॉन दूसरी साइड हुआ करते थे। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है, क्लियर ये चीज। अब चौथी अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो चौथी क्वांटिटी जो होती है एंगल। एंगल भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक। तो एंगल डायमेंशन लेस होता है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक आर्क है, ये ओ ए बी, ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो ये जो छोटा सा एंगल थीटा होगा ये क्या होगा, ए बी हो गया, आर्क अपॉन ओ बी। ओ बी और ओ ए दोनों बराबर ही होंगे, नहीं तो रेडियस होगा। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये भी तो एक तरह की लेंथ है ना, ए बी क्या है, एक तरह की लेंथ है, और रेडियस भी एक तरह की लेंथ है। तो लेंथ अपॉन लेंथ मतलब क्यों, खत्म हो गया। तो देखो इन चार पांच चीजों से, जो हमने चार डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है, तो डायमेंशनलेस होगी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होगी तो वो डायमेंशन लेस होगी, उसका डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। देखो एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी भी था ना, रिलेटिव डेंसिटी क्या था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या थे, एक साइड अपॉन दूसरी साइड, ठीक है। ऐसे एंगल क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होगी तो वो डायमेंशन लेस होगी, ठीक है। क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी, क्लियर है चीज सबको। तो आगे बात करते हैं, ये तो हमने कुछ जो अभी तक आपने पढ़ा है, अब आगे की बात जो मैं बता रहा हूं वो आपको फॉर द टाइम बीइंग ये समझ के याद रखनी है कि मैं हरिश्चंद्र हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो मेरी बातें जो कहते हैं एकदम सही होती हैं, तो आपको उस हिसाब से याद रखनी होगी, ठीक है। तो याद रखनी है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे, ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल जैसे अगर हम लोग पढ़ाएंगे, और जो जेई वाले बच्चे होते हैं तो मैथ्स में जो है समझ ही लेंगे, हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है।
एक टर्म होता है एक्सपोनेंशियल, जैसे उसको लिखा कैसे जाता है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर जो भी एक्स, ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ दिखाई दे, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ऐसे वर्ड सुने होंगे, ठीक है। जैसे कोरोना किस टाइम बात करें तो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, ठीक। तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का मतलब क्या है कि इसी ई की पावर एक्स के हिसाब से इसका वेरिएशन हो रहा है, ठीक। तो हमेशा याद रखना इसमें क्या है आपको, ये टर्म जहां दिखाई थी तो ये ई की पावर में जो है ये डायमेंशनलेस होगा, दिमाग नहीं लगाना है बहुत। बेसिकली ये नंबर होता है इसलिए इसका कोई डायमेंशनलेस नहीं होता है। तो ई की पावर में जो टर्म होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ई की पावर में जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। और ई की पावर एक्स एज अ होल ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। क्या होगा, डायमेंशनलेस, ठीक है। क्या याद रखना है, ई की पावर या एक्सपोन, कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है एक्सपोनेंट माइनस, ठीक है, अल्फा बीटा अपॉन, ठीक है, अल्फा बीटा अपॉन गामा मान लो। तो हमने क्या डिसाइड किया कि ई की पावर में जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस, मतलब अल्फा बीटा अपॉन गामा ये पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस। और पूरा ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो एक टर्म हमने ये पढ़ा, क्या क्या डायमेंशनलेस के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल, और एक नई चीज हमने यहां सीखी, जो एक्सपोनेंशियल का टर्म होता है उसमें ई की पावर में जो एक्स होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। और ई की पावर एक्स वाला जो पूरा टर्म है वो भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो एक और जो है कहते हैं डायमेंशनलेस के बारे में बात करते हैं, फिर इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर लॉग की बात की जाए तो लॉग का यहां पे कुछ जो है आर्ग्यूमेंट होता है, मान लो एक्स प्लस बी टाइप से है, या सिंपल की बात करते हैं लॉग ए और बेस है बी, तो ये वाला जो टर्म है ये क्या होगा, जो यहां पे आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है दिस इज डायमेंशनलेस। दिमाग नहीं चलाना है, मैं हरिश्चंद हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, ठीक है। तो ये डायमेंशनलेस, और ये पूरा जो टर्म है ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। ये याद रखना है, इनकी जब जरूरत पड़ेगी, हम क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी, तब भी मैं एक बार बताऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो यहीं पे हम ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इस लेक्चर में इससे रिलेटेड आपको कंटेंट के लिए एक पीडीएफ दे रखी हुई है, ठीक है, उस पीडीएफ को जो है आपको जो है डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा एक बार। और एक एक्सरसाइज दे रखी है, वो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो आप हम लोग का जो ऐप है उसमें डाउट क्लियरेंस का भी एक सेक्शन है, उसमें जो है जाके डाउट क्लियरेंस के लिए जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है चीज। तो यहीं पे हम लोग इसको जो है वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे मिलेंगे। पढ़िए घर पे बैठ के, जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो फील फ्री टू आस्क, ठीक है, हमारे ऐप्स डाउनलोड करिए, ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कैसे आगे क्या करना है। चलिए, थैंक यू।